नाइन्थ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री थर्ड प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम सेट थ्री का क्वेश्चन नंबर फाइव, सेकेंड वीडियो है ये प्रॉब्लम सेट थ्री का। इन फिगर 3.60 पॉइंट एस इज एनी पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। फिगर में ट्राइंगल पी क्यू आर में पॉइंट एस कोई भी पॉइंट है साइड क्यू आर पर, मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट है। प्रूव दैट पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी एस। हमें प्रूफ करना है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर ट्वाइस है पी एस का। सो इसमें दो ट्राइंगल है, एक है पी क्यू एस और दूसरा है पी एस आर। राइट, पहले लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल देखेंगे ट्राइंगल पी क्यू एस और फिर राइट साइड वाला ट्राइंगल देखेंगे पी एस आर। प्रॉपर्टी हमने पहले भी की थी, फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। ट्राइंगल के दो साइड को अगर सम किया जाए तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43 पर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। ट्राइंगल के दो साइड को अगर प्लस किया जाए, सम किया जाए, सम मीन्स प्लस, तो वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। देखो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, सम ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड का सम किया जाए, कोई भी दो साइड का, दो छोटे साइड का भी सम करोगे तो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा रहेगा। ठीक है, सम करने पर, प्लस करने पर, ये थ्योरम कहता है। ठीक है, ट्राइंगल के दो साइड, जैसे यहाँ पे सपोज एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का, ठीक है, तो इसमें से कोई भी दो साइड को आप ऐड करोगे ए बी प्लस बी सी तो वो ए सी से ग्रेटर रहेगा, या ए सी प्लस बी सी तो वो ए बी से ग्रेटर रहेगा। कोई भी दो साइड का सम करेंगे ट्राइंगल के तो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर रहेगा, ये प्रॉपर्टी वहाँ पर यूज होने वाली है। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने उसमें से हाफ ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है पी क्यू एस, अब इसमें हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस में दो साइड ग्रेटर देन सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर, तो पी क्यू प्लस क्यू एस इज ग्रेटर देन पी एस। पी क्यू प्लस क्यू एस, देखो बहुत सिंपल और छोटा सा सम है, इज ग्रेटर देन पी एस, ये प्रॉपर्टी है। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो पी क्यू प्लस क्यू एस ग्रेटर देन पी एस। इक्वेशन वन डालना है और इधर वो रीजन लिखना है, वो स्टेटमेंट क्या है, वो रीजन ऊपर भी लिख सकते हैं, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर ऊपर लिखने भूल गए तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। ऑल राइट, तो ये वो रीजन मैंने लिख दिया पूरा ब्रैकेट में, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, तो पी क्यू प्लस क्यू एस ग्रेटर देन पी एस, एक हो गया। अभी दूसरा एक ट्राइंगल इससे जुड़ा हुआ है, दिस वन, ऐसा एक ट्राइंगल और एक जुड़ा हुआ है, उसका नाम है पी आर एस। पी आर एस नाम का एक ट्राइंगल इससे जुड़ा है, इसको भूल जाओ, सिर्फ इतने को देखो पी आर एस। तो प्रॉपर्टी इसमें भी वही है क्या, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल यानी पी आर प्लस एस आर इक्वल्स इज ग्रेटर देन पी एस। पी आर प्लस एस आर ग्रेटर रहेगा पी एस से, ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर भी। क्या है प्रॉपर्टी, सेम, पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे हम लोग, कौन सा ट्राइंगल ले रहे। देखो मैंने फिंगर रखी है ट्राइंगल पे, ये वाले ट्राइंगल पे मैंने फिंगर रखी है, हम लोग ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसको मैंने ओपन रखा है। सो इन ट्राइंगल पी आर एस, वी आर टॉकिंग अबाउट पी आर एस, पी एस आर भी लिख सकते हो ट्राइंगल का नाम। इन ट्राइंगल पी आर एस जिसको मैंने डार्क किया है यहाँ पे, डार्क, मैंने सेकेंड वाले ट्राइंगल को डार्क किया है ताकि ईजिली दिख सके। सो इन ट्राइंगल पी एस आर, राइट, इन ट्राइंगल पी एस आर, पी एस आर नाम के ट्राइंगल में जो राइट साइड में है, इन ट्राइंगल पी एस आर या पी आर एस जैसा लिखना है लिखो, एस आर प्लस पी आर, एस आर प्लस पी आर, एस आर प्लस पी आर, एस आर प्लस पी आर किससे ग्रेटर होगा, थर्ड साइड से यानी पी एस से, ये वाले साइड से ग्रेटर देन पी एस। रीजन सेम, रीजन सेम लिखना है, ठीक है, तो अगर एरो नहीं डालना है, ऐसा कर्ली ब्रेसेस बना सकते हो रीजन के लिए, कर्ली ब्रैकेट, ऐसा वाला कर्ली ब्रैकेट बना सकते हो बड़ा सा, सेम रीजन है।
So PSR plus PR is greater than twice is greater than PS. This is my equation 2. ये मेरा equation number 2 है, ठीक है? 2 है. तो arrow नहीं डालना है, equation 2 डालना है, bracket बनाना है. Now adding 1 and 2. 1 और 2 को क्या करेंगे? Add. So adding 1 and 2. Equation 1 और 2 को add करेंगे. तो याद रखो लेफ्ट साइड से ऐड होगा, राइट साइड से ऐड होगा. तो लेफ्ट साइड को ऐड होगा, यानी पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस एस आर प्लस पी आर. देखो ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड ऐड हो गया. पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस एस आर प्लस पी आर लेफ्ट साइड ऐड हुआ. बीच में क्या साइन है? ग्रेटर देन की. तो ग्रेटर देन की साइन डाला. नेक्स्ट पी एस प्लस पी एस, पी एस प्लस पी एस. राइट, नेक्स्ट है पी क्यू. देखो ये दोनों फ्रेंड है, ऐड हो सकते. क्यू एस प्लस एस आर, डायग्राम में देखो क्यू एस प्लस एस आर इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू एस प्लस एस आर इक्वल्स टू क्यू आर. ठीक है, तो ये जो क्यू एस प्लस एस आर है ऐड होके क्या होगा? क्यू आर, क्यू आर प्लस पी आर ग्रेटर देन पी एस प्लस पी एस ट्वाइस पी एस. यही प्रूफ करना है. पी क्यू एज इट इज लिखा, क्यू एस प्लस एस आर क्यू आर होता है, तो दोनों को ऐड किया प्लस पी आर. ये ग्रेटर देन क्या है? पी एस प्लस पी एस ट्वाइस ऑफ पी एस. ऑलराइट, तो बहुत सिंपल सम है, ईजली कर सकते हैं, बहुत सिंपल है. चार स्टेप का सम है हार्डली. देखो प्रूफ, बाकी तो गिवन और टू प्रूफ दैट क्वेश्चन से कॉपी करना है. गिवन में क्या लिखना है? पॉइंट एस से लेकर यहाँ तक पूरा गिवन में कॉपी करना है. टू प्रूफ दैट भी क्वेश्चन से कॉपी करना है. और फिर रिमेनिंग प्रूफ मैंने किया है. पहले लेफ्ट साइड का ट्राइंगल लिया और साइड्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल ग्रेटर देन द थर्ड साइड वाली प्रॉपर्टी यूज किया, यानी पी क्यू प्लस क्यू एस इज ग्रेटर देन पी एस. फिर राइट साइड का ट्राइंगल लिया, सेम प्रॉपर्टी एस आर प्लस पी आर ग्रेटर देन पी एस. फिर दोनों को ऐड कर दिया, मेरा सम दोनों को ऐड किया. फिर क्यू एस प्लस एस आर क्यू आर होता है, वो लिखा और मेरा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड. ऑलराइट, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6. इन फिगर 3.61 बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी का जो बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट साइड बी सी एट डी. ये बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट डी. प्रूफ दैट ए बी ग्रेटर देन बी डी. हमें प्रूफ करना है ए बी बी डी से ग्रेटर है. ये सम भी बहुत सिंपल है, चार छः स्टेप का ही सम है, कोई लेंदी सम नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में गिवन और टू प्रूफ दैट फिर से क्वेश्चन से कॉपी करना है, तो मैंने उसके लिए जगह छोड़ी है. गिवन में यहाँ से यहाँ तक लिखना है, गिवन में यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है क्वेश्चन से, और टू प्रूफ दैट ये कॉपी करना है. प्रूफ, प्रूफ में सबसे पहला पॉइंट देखो, ए डी बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अगर ए डी बाइसेक्टर है तो एंगल बी ए डी इक्वल रहेगा एंगल सी ए डी को. ये वाला एंगल, एंगल बी ए डी लेफ्ट साइड वाला एंगल राइट साइड वाला एंगल सी ए डी को इक्वल रहेगा. बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट मीन्स एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी. राइट, सो प्रूफ का फर्स्ट पॉइंट वही रहेगा हमारा, क्या? इन ट्राइंगल एंगल, हम लोग प्रूफ का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बी डी बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का. ऑलराइट, देयरफॉर कौन से दो एंगल इक्वल रहेंगे? देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल रहेगा, एंगल बी ए डी इक्वल रहेगा एंगल सी ए डी को. ऑलराइट, ये इसको हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे जो बाद में यूज होगा. एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी को इक्वल रहेगा क्योंकि बी डी बाइसेक्टर है, इक्वेशन 1. नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए मैं रिमेनिंग या फिगर ड्रॉ करता हूँ, आधा फिगर ड्रॉ करूँगा नेक्स्ट पार्ट के लिए. दूसरा देखो, ट्राइंगल ऐसा है ए डी सी नाम का, ए डी सी, और ये ऐसा यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे बी है, और मैंने अभी ए बी ज्वाइन नहीं किया, मैं करूँगा. ठीक है, तो ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए बी सी का. एंगल ए डी बी एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए बी सी का, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा रहता है. ये दो रिमोट इंटीरियर एंगल है,
उससे एक्सटीरियर एंगल हमेशा ग्रेटर रहता है। तो इसी को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, एंगल ए डी बी इज दी एक्सटीरियर। मैंने देखो फिगर हाफ हाफ मीन्स खाली ए बी ड्रॉ नहीं किया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ईजिली समझे, तो वो मैं ड्रॉ करूँगा अभी, लेकिन इतना समझ लो कि एंगल ए डी बी एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए डी सी का, ट्राइंगल ए डी सी का एक्सटीरियर एंगल है ए डी बी। ऑलराइट, एंगल ए डी बी एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए डी सी का, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ऑलराइट, सो एक्सटीरियर एंगल हमेशा रिमोट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर रहता है, देयरफॉर एंगल ए डी बी ग्रेटर रहेगा एंगल एंगल सी ए डी से, एंगल सी ए डी से हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर। ठीक है, एंगल ए बी डी एंगल सी ए डी से ग्रेटर रहेगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल से ग्रेटर रहेगा। क्यों ग्रेटर रहेगा? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा रहता है। यहाँ लिख दिया रीजन, एक्सटीरियर एंगल है इसके लिए ग्रेटर रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जरूरत नहीं है फिर भी लिख सकते हैं, लिखना है तो अच्छा होगा एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि कुछ टीचर्स बोलते हैं रीजन लिखो ये, कुछ टीचर्स बोलते नहीं चलेगा, तो लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ऑलराइट, एंगल ए डी बी ग्रेटर रहेगा एंगल डी ए सी से, क्यों ग्रेटर रहेगा? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से बड़ा रहता है। अच्छा, सी ए डी, सी ए डी इक्वल्स टू बी ए डी है, एंगल सी ए डी एंगल बी ए डी को इक्वल है, तो मैं सी ए डी की जगह बी ए डी डाल सकता हूँ, येस, देयरफॉर एंगल ए डी बी, अगर एंगल ए डी बी सी ए डी से ग्रेटर है तो एंगल ए डी बी बी ए डी से भी ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर देन एंगल बी ए डी, ए डी बी सी ए डी से ग्रेटर है और सी ए डी बी ए डी इक्वल है, तो सी ए डी की जगह बी ए डी डाल सकते हैं, यस, फ्रॉम वन। ऑलराइट, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये वाले लेफ्ट राइट वाले एंगल से ग्रेटर है, एंगल ए डी बी ग्रेटर है सी ए डी से, तो सीधी सी बात है एंगल ए डी बी ग्रेटर रहेगा बी ए डी से भी। ऑलराइट, सो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल, अभी हम लोग ये ट्राइंगल को लेंगे, ए बी को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं और अभी हम लोग ये ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो मैं इतने पे रबर रख देता हूँ ताकि उस पर ध्यान ही ना जाए, तो नजर ही नहीं जाए, तो इन ट्राइंगल ए डी बी, हम लोग ए डी बी की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी। ऑलराइट, ट्राइंगल ए डी बी में, इन ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी के अंदर देखो ये पॉइंट, एंगल ए डी बी ग्रेटर है बी ए डी से, एंगल ए डी बी दिख रहा है, ये एंगल ए डी बी, ये ग्रेटर है एंगल बी ए डी से, बी ए डी, एंगल ए डी बी एंगल बी ए डी से ग्रेटर है, ये हमने यहाँ पे अभी जस्ट प्रूफ किया है, एंगल ए डी बी एंगल बी ए डी से ग्रेटर है, एंगल ए डी बी ग्रेटर है एंगल बी ए डी से, तो एंगल ए डी बी का अपोजिट, एंगल ए डी बी का अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, सो ए डी बी की जगह ए डी बी का अपोजिट है ए बी, ग्रेटर रहेगा एंगल बी ए डी के अपोजिट साइड से, एंगल बी ए डी का अपोजिट साइड है बी डी, बी ए डी का बी डी, तो ग्रेटर रहेगा बी डी से, यही प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। ऑलराइट, मैं लास्ट पार्ट, ये जो पार्ट है ना इन ट्राइंगल ये वाला, अच्छा इधर रीजन पहले लिख देते हैं, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ये थ्योरम हमने पढ़ा है, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो उसके आगे वाले प्रैक्टिस सेट को देखो पहले वीडियो, फिर प्रॉब्लम सेट पे आओ। देखो लास्ट पार्ट में इसमें बता देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक नोटबुक में थोड़ा मैसिंग दिख रहा है, देखो ये एंगल इससे ग्रेटर मैंने प्रूफ किया, एंगल ए डी बी मैंने एंगल बी ए डी से बड़ा प्रूफ किया, तो एंगल ए डी बी का जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड यानी ए बी, ये एंगल बड़ा तो इसका अपोजिट साइड ए बी बड़ा, तो ए बी ये एंगल छोटा है इससे, तो ये इसका अपोजिट साइड यानी बी डी से छोटा है, तो वही लास्ट पार्ट में प्रूफ किया है, क्या एंगल ए डी बी बी ए डी से बड़ा है, तो एंगल ए डी बी का अपोजिट साइड ए बी एंगल बी ए डी के अपोजिट साइड यानी बी डी से ग्रेटर रहेगा, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने